गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 8। एज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एंड वी हैव डिस्कस टिल हाउ ट्रेड गेट्स लीड टू द बैटल। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बैटल ऑफ पैलासी। लेट्स डिस्कस डायरेक्टली टू द बैटल ऑफ पैलासी। इन बैटल ऑफ पैलासी लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन देयर। वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग एंड दिस वीडियो मे बी अ शॉर्टर वन एज अर्लियर। Earlier was little bit longer, but in today's lecture we will be discussing limited things. So let's begin with that. Now, Battle of Palasi was been conducted between the ruler of Bengal, whose name was Siraj-ud-Daula, and the person who was been ruling as an East India Company leadership. Both were been fighting in it. Now let's begin with this. In 1756, Siraj-ud-Daula became the Nawab of Bengal after Ali Wardi Khan. After Ali Wardi Khan means death of Ali Wardi Khan was been occurred in that year. The company wants to keep a puppet instead of Siraj-ud-Daula so that they can get success in the concessions benefit and other powers will be given to the East India Company. So what happens here? जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला वॉज बीन वेरी मच एंग्री अगेंस्ट द कंपनी एंड ही सेड दैट स्टॉप इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ नवाब्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया एंड स्टॉप डूइंग फोर्टिफिकेशन एंड स्टार्ट पेइंग द रेवेन्यूज टैक्स एज इट वॉज बीन सेड बाय द सिराजुद्दौला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है वो नवाब था, बंगाल का किंग था, वेरस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह पे कोई पपेट होना चाहिए। तो ये सुनकर सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में ब्रिटिश जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंटरफेयर ना करे और स्टार्ट कर दे पेमेंट करना उनका रेवेन्यू। तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अब नेगोशिएशन हो रहा था, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ। जो नवाब्स के ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने नेगोशिएशन मीटिंग भी अरेंज की, बट ये नेगोशिएशन हो गया फेल। और फेल होने के तुरंत ही नवाब ने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ में इंग्लिश फैक्ट्री कासिमपुर में जो इस्टेब्लिश थी वहाँ पर अटैक किया और कंपनी के ऑफिशियल्स, वेयर हाउसेस, आर्म, जितने भी इंग्लिश मेंस जो थे जिनके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे वो भी उनके छीन लिए गए और टोटली पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। एनवायरनमेंट चेंज कर दिया दैट मींस दे हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग वेयर इंग्लिश मेंस वर बीन एस्टैब्लिश्ड। जहाँ पे भी इंग्लिश मैन दिखाई दिए वहाँ पे सिराजुद्दौला की आर्मी ने अटैक करके उसको अपने अंडर या अपने कंट्रोल में ले लिया था। और फिर बाद में वो कोलकाता भी पहुँचे और कोलकाता पे पूरे फोर्ट पे उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। और ये न्यूज़ जो है बहुत ही रैपिडली पूरे इंडिया के अंदर फैलने लगी और फैलते फैलते इतना स्पीड में फैली कि वो पहुँच गई कोलकाता से मद्रास। तो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव करके कमांडर हुआ करता था जिसके कमांड में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेवियल आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अब कहा कि वो कोलकाता पे जाएंगे और कोलकाता पे जाके सिराजुद्दौला को डिफीट करेंगे। सो इन 1757 उसने एक कंपनी लीड की आर्मी की और वो सिराजुद्दौला तक पहुँचे पैलासी में और नवाब को उन्होंने डिफीट भी किया विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर जो थे वो नवाब का एक कमांडर हुआ करता था जो बहुत सारी फाइट्स लड़ चुका था सिराजुद्दौला के लिए। तो ये बैटल जो हारे हैं सिराजुद्दौला वो बिकॉज ऑफ उसके बेस्ट नवाब जो थे, जो मीर जाफर जो थे उनके जो बेस्ट कमांडर थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे और उनके अगेंस्ट होने के बाद में सिराजुद्दौला डिफीट हुई। और बैटल ऑफ पैलेसी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए भी है क्योंकि ब्रिटिशर्स का वो सबसे पहला विन था इंडिया के अंदर, मेजर विन। ओके, उसके बाद में फिर हुआ क्या, पैलासी के बाद में उस सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद में मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया। किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने। मीर जाफर जब किंग बने
तो वो एक तरह के पपेट बन चुके थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कंसेशन दिया, अदर प्रिविलेजेस, अदर पावर्स दिए, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको आने की परमिशन दे दी, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर को एहसास होने लगा कि उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। कैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ? मीर जाफर स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू नो दैट मीर जाफर इज़ अगेंस्ट देम, ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ रिमूव्ड मीर जाफर फ्रॉम हिज प्लेस एंड दे हैव इंस्टॉल्ड मीर कासिम। मीर कासिम को उस नवाब की पोजीशन पे ब्रिटिश कंपनी ने बिठा दिया। मीर कासिम ने भी थोड़ा टाइम रूल किया, रूल करने के बाद में उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, वापस से वही चीज़ हुई, मीर कासिम को हटाया गया और मीर जाफर को वापस से ला के रख दिया। लेकिन इस बार मीर जाफर को कंपल्सरी कह दिया गया था कि एवरी मंथ उनको 5 लाख रुपीज़ देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो अपने फाइनेंस से वॉर को सपोर्ट कर सके और अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये नवाब जो हैं वो नॉर्मली एक पपेट बन चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन जब मीर जाफर की डेथ हुई 1765 में, उसके बाद में कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वो सोच रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से एक नवाब यहाँ पे था, वो नवाब भी चला गया, अब नया नवाब कौन होगा। तो उसी में मुगल एम्परर से अपॉइंटमेंट मिलती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी गेट्स दीवानी राइट्स एज दे हैव टू वर्क फॉर द मुगल्स इन बंगाल। और इसी के बाद में, दीवानी राइट्स के बाद में, वो रेवेन्यू, फाइनेंस ऑफ कंपनी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ वो हैंडल कर पा रहे थे। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने ये भी कहा कि अभी हमें कोई पपेट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही रूल कर सकते हैं। बैटल ऑफ पैलेसी और उसके आफ्टर मैट के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो उस टाइम पे कंपनी ऑफिशियल्स कैसे नॉब्स बने, कंपनी कैसे एक्सपैंड हुई रूल करने में, टीपू सुल्तान और उनकी फाइट, और फिर आगे कंटिन्यू हम करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।